राशन कार्ड को ई केवाईसी करने के लिए गूगल क्रोम पर सर्च करना है राशन कार्ड ई केवाईसी, और सबसे पहले जो वेबसाइट मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। उस वेबसाइट पर क्लिक करते ही राशन कार्ड नंबर इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक आधार विथ राशन कार्ड एक्टिव एंड डीएक्टिव, यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर को इंटर कर देना है और सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका राशन कार्ड का फैमिली डिटेल्स आ जाएगा, और यहाँ पर आप आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड को लिंक कर सकते हैं, इसके थ्रू ई केवाईसी भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राशन कार्ड को नंबर को इंटर करते ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर लॉगिन लेगा और आपका फैमिली का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरा राशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट करना है, आई एग्री करना है, यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है फैमिली का किसी का एक का, यहाँ पर आधार नंबर को इंटर करके कैप्चा कोड को फिलअप करके लॉगिन ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ओटीपी रिसीव होगा उसको यहाँ पर इंटर करना है एंड वेरीफाई करना है, उसके बाद ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट एम पिन यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्रिएट नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 4 डिजिट का एम पिन इंटर करना है, उसके बाद फिर से वही एम पिन इंटर करना है और क्रिएट एम पिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है, जो भी परमिशन मांगेगा अलाउ कर देना है, यहाँ पर लोकेशन को ऑन कर देना है, यहाँ पर क्लिक करते देना है, यहाँ पर आपका राशन कार्ड शो हो जाएगा डिजिटल राशन कार्ड, और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा कि माई ग्रीवेंस का, सबसे पहले यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट वेरीफाइड पूरा फैमिली का डिटेल्स आ जाएगा, केवाईसी पेंडिंग पर दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले बैक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर वेरीफाइड करने के लिए केवाईसी को करने कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आप पूरा डिटेल्स को देख लेना है एक बार, अगर वेरीफाइड नहीं है तो आपको यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको माई ग्रीवियंस ऑप्शन पर जाना है, माई ग्रीवियंस ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, एड न्यू ग्रीवियंस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऊपर में, और यहाँ पर राशन कार्ड अपडेटेड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सबसे नीचे जो ऑप्शन मिलेगा उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है आपको कि अपडेटेड माय राशन कार्ड यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट एक अपलोड कर देना है, जैसे कि आधार कार्ड फैमिली का किसी का भी आधार कार्ड अपलोड कर देना है, उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको जो ट्रैकिंग नंबर रिक्वेस्ट आई डी नंबर दिया जाएगा और डेट दिया जाएगा उसका स्क्रीनशॉट रख लेना है, और यहाँ पर आपका अपडेटेड हो जाएगा। वीडियो के पहले जो स्टेप बताया गया है वो ओनली वेस्ट बंगाल के लिए, और बाकी कोई स्टेट पर नहीं होता है ऑनलाइन ई केवाईसी।